ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही और आप देख रहे हैं न्यूज़कास्ट। आज न्यूज़कास्ट में एक खबर अनलोडिंग की है और एक खबर नेशनल परमिट से संबंधित है। सबसे पहले आपको अनलोडिंग की इस खबर की ओर लिए चलते हैं। अनलोडिंग को लेकर एक ऐसी कंपनी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसने ऑपरेटर को बेहद परेशान किया। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह इस ऑपरेटर ने अपने अनलोडिंग के इस मसले को सॉल्व किया। तो ये गाड़ी है पंजाब के समाना की और पटियाला नंबर की गाड़ी है। इसमें ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री से माल लोड किया गया था। ये इंडस्ट्री है नागालैंड तिजित में और जिस कंपनी के लिए माल लोड किया गया था ये कंपनी कलकत्ता में पड़ती है भगवती प्लाईबोर्ड नाम से। तो ये जो ट्रक है ये 28 सितंबर को यहाँ नागालैंड से निकला और 4 अक्टूबर को ये कलकत्ता में पहुँच गया। जब यहाँ पर ऑपरेटर माल लेकर आया तो कंपनी वालों ने उसको बोला कि चाहे तो माल को वापस ले जाए या फिर किसी गटर में फेंक दे। और एक गाड़ी वो मेरा गाड़ी खड़ा है, एक ये उस्ताद जी का गाड़ी खड़ा है और 15-15 दिन हो गए हैं उसमें भी सिर्फ वसूली खाया है। इस भाड़े में से हमने बस सोचा था कि कलकत्ता से भर के घर चले जाएंगे, इस भाड़े में तो कुछ नहीं बच रहा। खुद ही टोटल लगा ला और नागालैंड बॉर्डर के और अभी इनके उधर के अभी पार्किंग की पर्ची आपको भेज देंगे। 320 रुपये पार्किंग लेते हैं 12 घंटे के, सुबह फिर आके 320 रुपये और खाने के भी पैसे लग रहे हैं, अभी पास में 1 रुपया नहीं बचा। लगभग 15 दिनों के बाद भी जब इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो इन्होंने तंग आकर ट्रांसपोर्ट टीवी से संपर्क किया। हमारी टीम ने इनसे कहा कि आप पुलिस कंप्लेंट कर दीजिए, किराया और कंपनसेशन मांगिए 10 दिन का और व्यापारी से ये कहिए कि अगर 3 दिन में आपको वो पैसे नहीं लौटाते हैं तो आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर देंगे। इन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में तो शिकायत नहीं की लेकिन इन्होंने एक अच्छी बात की कि इन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी। उसके बाद पुलिस वालों ने कंपनी वालों को कॉल किया, साथ ही साथ अनलोडिंग करने को भी कहा लेकिन फिर भी उल्टा 1500 रुपये देने के बाद भी, जो कि पार्किंग चार्जेस थे, उसे देने के बाद अनलोडिंग की गई। हालांकि जो ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने ऑपरेटर से ये वादा किया है कि उसके 1500 रुपए जो है वो उनको वापस कर देंगे। यहाँ पर हम ये भी कहना चाहेंगे कि कई कई दिनों तक अनलोडिंग के लिए वेट करने से अच्छा है अगर आप भी इस ऑपरेटर की तरह थोड़ी सी हिम्मत दिखाएंगे तो शायद आप भी अपनी सिचुएशन में से जल्दी और खुद ही निकल पाएंगे। अब हम आपको झारखंड की ये खबर देने जा रहे हैं और जिन व्यूअर ने हमको ये खबर दी है उन्होंने अपना नाम और गाड़ी नंबर ना बताने की हमसे रिक्वेस्ट की है। इन्होंने हमें बताया कि इनको आरटीओ कोल्हन से ये नेशनल परमिट बनवाना था। लगभग 30 अगस्त के आसपास जो प्रोसेस है वो शुरू कर दी गई थी लेकिन इनको कहा गया कि जो चालान है वो जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि अभी कोई भी संबंधित अधिकारी मौजूद नहीं है। लगभग 1-1.5 महीने के चक्कर मारने के बाद भी जो इनकी फीस है वो नहीं भरी गई। फिर 26 सितंबर को इनका चालान जनरेट हो गया और जैसे आप देख सकते हैं 27 सितंबर को फीस भी भर दी गई जो थी 16,500 रुपये लेकिन अभी तक इनका जो परमिट है वो नहीं बन पाया है। मीनवाइल जो इनका परमिट है वो एक्सपायर हो गया। अब इनका कहना है कि अगर ये बिना परमिट के गाड़ी चलाते हैं तो इनका चालान होगा। हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि इस आरटीओ ऑफिस में सिर्फ इनको ही तंग नहीं किया जा रहा, ऐसे कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि वो फीस भर देते हैं लेकिन जो परमिट है वो नहीं बनता है। और साथ में हम झारखंड के आरटीओ से ये भी कहना चाहेंगे कि ये गाड़ी मालिक जो है ये चंदा मांगने नहीं आते हैं, आपको पैसे देकर जो सर्विसेज हैं वो लेना चाहते हैं। तो कानूनन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन ट्रक मालिकों को नेशनल परमिट उपलब्ध करवाएं। तो आपको हमारी ये दोनों खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।